हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेगोली गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस जो इस चैनल पर नए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं इस चैनल पर सेल करता हूं और रिव्यू करता हूं महंगे डिजाइनर और नीश परफ्यूम्स के ऑल्टरनेटिव्स का गाइस। और जो आप अपने सामने देख रहे हैं परफ्यूम्स, ये सभी परफ्यूम्स मेरे नए ऑर्डर्स हैं जो कस्टमर्स के द्वारा मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। तो आज मैं आपके सामने गाइस इन परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा कि ये परफ्यूम्स कौन कौन से हैं, किस ब्रांड के हैं और क्या प्राइजेस हैं इनके, और ये किसके ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपको क्यों लेने चाहिए ये, और कस्टमर्स ने ये क्यों बाय किए हैं। चलिए इन चीजों के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए गाइस अपने राइट से शुरू करते हैं, और जो राइट में हमारे सबसे पहला परफ्यूम है वो है न्यूफ 9, और ये नॉर्थ स्टैक सीरीज आती है पेरिस कॉर्नर की, जो अभी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है, और क्वालिटी बहुत सुपर्ब है इन परफ्यूम्स की। अगर आप रिव्यूज देखना चाहते हैं नॉर्थ स्टैक का, तो आप यूट्यूब चैनल सेंट ऑन पर या फिर यूट्यूब चैनल परफ्यूम रूट पर जाकर आप इन परफ्यूम्स के रिव्यूज देख सकते हैं। क्वालिटी लाजवाब है, और ये थोड़ी हाई एंड सीरीज है पेरिस कॉर्नर के द्वारा जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, और ये एक्सट्रे दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में होता है गाइस। ये गाइस क्लोन है ग्रैंड स्वार का, और मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ही अमेजिंग क्लोन है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है परफ्यूम की। अगर आप सोच रहे हैं ग्रैंड स्वार का कोई क्लोन खरीदने का, तो आप आंखें बंद करके इस परफ्यूम के साथ जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज हुई 8। तो गाइज जो हुई 8 है ये भी एक क्लोन है, और ये क्लोन है गाइज बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस स्पाइस बॉम का, और बहुत ही अच्छा ये क्लोन है स्पाइस बॉम का। इसमें आपको शुरुआत में थोड़े सिट्रसेस मिलते हैं, एंड उसके बाद आपको ये वॉर्म नोट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पाइस बॉम में आपको स्पाइसी और लेदर का और टबैको के आपको बेस नोट्स, जब फ्रेग्रेंस थोड़ी ड्राई डाउन में हो जाती है तो आपको उस तरीके के नोट्स मिलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लोन बनाया है पेरिस कॉर्नर ने, और मैं बोलूंगा कि नॉर्थ स्टैक सीरीज की क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन में इनके दे दूंगा। अगर आप स्पाइस बॉम का कोई अच्छा बढ़िया क्लोन ढूंढ रहे हैं, जबरदस्त क्लोन ढूंढ रहे हैं, सिर्फ बढ़िया नहीं जबरदस्त, तो आप इस परफ्यूम के साथ जा सकते हैं। एंड अगेन ग्रैंड स्वार का कोई ढूंढ रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं गाइस। ये तो हो गए हुई और न्यू, ये दो ऑर्डर्स हैं कस्टमर के। और चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये है प्योर वॉयलेट मैन। और गाइस ये जो प्योर वॉयलेट मैन है ये पाको रबान के अल्ट्रा वॉयलेट मैन का क्लोन है गाइस। ये एक ऑर्डर है कस्टमर का, एक्चुअली ये उन्होंने मेरे कहने पर ये दो परफ्यूम्स खरीदे हैं, उन्हें कैजुअल वेयर परफ्यूम्स चाहिए और वैसे चाहिए जिन्हें जिनसे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। एक और जो चीज उन्हें चाहिए थी वो ये कि वो कॉमन नहीं होने चाहिए, तो ये जो दो परफ्यूम्स मैंने उन्हें सजेस्ट किए हैं पोरोम रोड्रिगेज, ये नार्सिसो रोड्रिगेज फॉर हिम का एक क्लोन है गाइस। आउटस्टैंडिंग परफ्यूम, जबरदस्त परफ्यूम, जबरदस्त क्लोन किया है, मतलब कि परसेंटेज में मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत ही क्लोज है ओरिजिनल के। अगर आप उसका कोई क्लोन ढूंढ रहे हैं तो आंखें बंद करके आप ये जरूर बाय कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस भी इस परफ्यूम की बहुत अच्छी लाजवाब परफॉर्मेंस है। जो जिस कैटेगरी का ये फ्रेग्रेंस है उसके हिसाब से बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है इसकी। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का पोरम रेडिगेस मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, और प्योर वॉलेट मैन ये अगर आप ऑफिस जाने के लिए कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इसके भी और इसके भी, ऑफिस जाते हैं कैजुअल वेयर के लिए, अगर आपको इनोफेंसिव सी फ्रेग्रेंस चाहिए, ऐसा परफ्यूम चाहिए जो आपके आगे पीछे इर्द गिर्द जो लोग हों उन्हें भी बहुत पसंद आए वो फ्रेग्रेंस, तो आप इन दो फ्रेग्रेंसेस के साथ जा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑर्डर था कस्टमर का। उदल लेल गाइस माय परफ्यूम्स का, ये तो आप सभी को पता है, उदल लेल के काफी रिव्यूज हैं यूट्यूब पर, 1099 में आपको मेरे पास मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के प्राइसेस मिल जाएंगे। तो उदल लेल के बारे में आई थिंक ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगेन न्यूफ 9, वन मोर ऑर्डर। तो अब बात करते हैं गाइस इंडोनेशियन ऊद की, और ये इंडोनेशियन ऊद जो है ये जीनिया का इंडोनेशियन ऊद नहीं है, ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की एक नई लॉन्च है, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की एक्सक्लूसिव सीरीज आती है गाइस, उसका ये परफ्यूम है इंडोनेशियन ऊद। एंड मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये आई थिंक बजट में सबसे बढ़िया क्लोन होगा इंडोनेशियन ऊद का, बहुत ज्यादा क्लोज है इंडोनेशियन ऊद के ओरिजिनल के, आप फर्क जो है वो इन दोनों में बता नहीं पाएंगे, इतना क्लोज है ये ओरिजिनल के। एंड मैं इसकी आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाना, बॉटल भी दिखाना चाहता हूँ, इस तरीके से गाइस ये बॉटल है इसकी।
बॉटल भी खूबसूरत है और ये इसका स्प्रे है। देखिए इसका स्प्रे भी बहुत अच्छा स्प्रे है। एंड इंडोनेशियन ऊद का अगर आप कोई क्लोजेस्ट क्लोन ढूंढ रहे हैं तो मैं काफी ट्राई कर चुका हूँ, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्लोज है ओरिजिनल के। आप इस परफ्यूम के साथ जा सकते हैं और परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है गाइस, परफॉर्मेंस भी इस परफ्यूम की अच्छी है। तो ये था इंडोनेशियन ऊद वनील एंड टोबैको गाइस, इसने मुझे सरप्राइज किया इस परफ्यूम ने भी और इंडोनेशियन ऊद ने भी। और एक और परफ्यूम है, दो और परफ्यूम है ऐसे जिन्होंने मुझे सरप्राइज किया और काफी अच्छी फ्रेग्रेंसीज हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। वनील एंड टोबैको भी एक कस्टमर को मैंने ही रिकमेंड किया है क्योंकि मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ एंड अमेजिंग अमेजिंगली क्लोज विद द ओरिजिनल टोबैको वनील। जो टॉम फोर्ड का टोबैको वनील है उसका ये क्लोन है गाइस। और पहले प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे कि फ्रेग्रेंस कितनी क्लोज है। ये देखिए जबरदस्त प्रेजेंटेशन, बिल्कुल जैसे कि हार्ड कार्डबोर्ड की प्रेजेंटेशन है। ये देखिए बॉटल बिल्कुल टॉम फोर्ड की तरह बनाने की कोशिश की गई है यहां पर। देखिए गाइस बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है। एंड अब जूस की बात करें तो गाइस अमेजिंगली क्लोज विद द ओरिजिनल, बहुत ही क्लोज है। मैं बोलूंगा 95% क्लोज है ओरिजिनल के। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको वनीला ज्यादा मिलेगा या फिर टोबैको ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड, एक बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड है एकदम। वनीला और टोबैको आपको बराबर मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया क्लोन। और परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस भी इसकी लाजवाब है। स्किन पर ये परफ्यूम मेरे 6+ आवर्स ये स्किन पर रहा था, मतलब 6th आवर में भी मुझे बहुत अच्छे से स्किन पर ये इसका इसकी प्रेजेंस पता चल रही थी। और मतलब कि 7+ आवर्स तक ये मेरी स्किन पर परफ्यूम रहा था और इतनी परफॉर्मेंस स्किन पर। क्लोथ्स पर तो गाइस 24+ आवर्स और अमेजिंगली क्लोज विद ओरिजिनल, जो मेरी रिकमेंडेशन का वेट करते हैं, ये उनमें से एक परफ्यूम है गाइस, आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। वनील एंड टोबैको, टोबैको वनील का एक बहुत ही जबरदस्त ऑल्टरनेटिव बजट में। गाइस ये भी एक ऑर्डर था, ये मेरी रिकमेंडेशन पे कस्टमर ने बाय किया था परफ्यूम किया है। अब मुझे उनसे फीडबैक भी चाहिए कि उन्हें पसंद आता है या नहीं। उद वॉन्डर ये भी गाइस सरप्राइज किया मुझे, उद वुड का बहुत ही बढ़िया क्लोन, एक फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की पुराना परफ्यूम था, उद वुड का क्लोन था वो। उससे ये परफ्यूम जो है बेटर है और ओरिजिनल के क्लोज है। मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल के बजट में क्लोजेस्ट क्लोन ये, और 2-4 का जो मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर पीछे, वो और उद वंडर में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। मुझे तकरीबन परफॉर्मेंस भी इन दोनों की सेम मिलती है और फ्रेग्रेंस भी इन दोनों परफ्यूम्स की एक जैसी है। और अगर आप वो खरीदना चाहते हैं, ये इन दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं, उद वंडर बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। बजट में आई थिंक सबसे बेस्ट क्लोन होगा उद वुड का क्योंकि लास्टिंग भी लाजवाब देता है उद वंडर। और प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी ही जैसे टोबैको वनील की आपको बताई थी, इसकी भी बता देता हूँ गाइस, बिल्कुल टॉम फोर्ड की तरह। ये देखिए गाइस बिल्कुल वैसी ही जैसे टॉम फोर्ड की बॉटल्स होती हैं वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है। ये इनका स्प्रेयर, स्प्रेयर भी जूस बहुत अच्छा थ्रो करता है। तो ये था वुड बॉन्डर। मुज्न गाइस, मुज्न अमेजिंग परफ्यूम। और इसका मुझे जो इसमें मेलन ब्लॉसम यूज किया गया है, मेलन का नोट जो यूज किया गया है, अमेजिंग अमेजिंग, समर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत। और मैं आपको ये चीज एक चीज बताना चाहता हूँ इस ब्रांड के बारे में, अहमद अल मगरबी के बारे में, कि जब आप स्प्रे करते हैं आपको अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं आता है इन परफ्यूम्स में। अहमद अल मगरबी का उदन रोजेज भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, मुज्न भी ट्राई कर चुका हूँ, अल्कोहल ब्लास्ट आपको इस परफ्यूम ब्रांड में नहीं मिलेगा। अहमद अल मगरबी का मुज्न, और इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज। ये देखिए गाइज बॉटल मुझे बहुत खूबसूरत लगी इसकी, मुज्न की बॉटल हैवी है और ऐसा फील होती है कि किसी बहुत ही महंगे परफ्यूम की बॉटल है ये।
ये देखिए अहमद की ब्रांडिंग आपको ऊपर मिल जाएगी इसमें, फिर दिखा देता हूँ इसका। इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, बजट में इतना बढ़िया स्प्रेयर मुश्किल से मिलता है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड अमेजिंग अमेजिंग, जो फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं ना गाइस, उनके लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। मेलन का जिन्हें नोट चाहिए किसी परफ्यूम में, उनके लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। और ऑयल कंसनट्रेशन अहमद अल मगरिबी के सभी परफ्यूम्स में काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स हैं गाइस ये सभी। तो मोजन बाय अहमद अल मगरिबी, अगेन एक और ऑर्डर है मुझने का। ला उनो इंटेंस गाइस, एक ला उनो आपको पता होगा कि डॉल्चे गबाना द वन ईडीपी का क्लोन है, और ये ला उनो इंटेंस है जो डॉल्चे गबाना द वन इंटेंस का क्लोन है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के द्वारा। इसे मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है, इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर आप कोई डॉल्चे गबाना द वन इंटेंस का क्लोन ढूंढ रहे हैं तो वो मेरे पास अवेलेबल है, ला उनो इंटेंस, आप परचेज कर सकते हैं गाइस। टोडे हवाना वेट एवर, आई थिंक मैंने काफ़ी महीने पहले इस परफ्यूम को लाया था अपने स्टॉक में, एंड इतने महीनों बाद ये परफ्यूम मेरे स्टॉक में दोबारा आया है, और मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद आया था तब भी और आज भी। ये टेड हेमिस ओ इंटेंस वेट एवर का क्लोन है, जो कि वेट एवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अगर आप बजट में कोई वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, और वो भी टेड हर्मेस ओ इंटेंस वेटिवर का कोई बजट क्लोन ढूंढ रहे हैं, तो आप इस परफ्यूम को जरूर बाय कीजिएगा। इस बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और लास्टिंग भी इसकी अच्छी है। टेड हर्मेस ओ इंटेंस वेटिवर का क्लोन बजट में, टोडे हवाना वेटिवर। आमिर वनीला एम रोजेस, मेरे एक कस्टमर को रोजेस वनील का क्लोन चाहिए था मंसेरा के, और वो पैरिस कॉर्नर का एक पुराना परफ्यूम आता था रोजेस वनील का क्लोन था, वो भी मंसेरा का, तो मैंने उनको उसके ऊपर इसे रिकमेंड किया क्योंकि मुझे उससे बेटर ये परफ्यूम लगा, आमिर का वनीला एंड रोजेस। और आप भी अगर वो परफ्यूम खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वनीला एंड रोजेस के साथ जाइएगा, क्योंकि आमिर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी और बढ़िया क्वालिटी है। सो वनीला एंड रोजेस बाय आमिर सीरीज ऑफ पैरिस कॉर्नर, मंसेरा रोजेस वनील का बहुत ही बढ़िया क्लोन है। प्रोटोकॉल एडिशन गाइस, अगेन मुझे वन ऑफ माय फेवरेट्स, ये भी मुझे बहुत पसंद है, पैरिस कॉर्नर की एक बढ़िया क्रिएशन है। ये जो परफ्यूम है ये क्लोन है टेडी हर्मिस का, जो नॉर्मल टेडी हर्मिस है उसका ये क्लोन है, और लॉन्ग लास्टिंग क्लोन है गाइस। अगर आप टेडी हर्मिस का एक बजट में 100 ml में सस्ता क्लोन ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेटर क्लोन आई थिंक नहीं हो सकता मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग भी है और डैम क्लोज है ओरिजिनल के गाइस। प्रोटोकॉल एडिशन टेडी हर्मिस का क्लोन ढूंढ रहे हैं तो जरूर बाय कीजिए। सो द लास्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी सुपरनोवा, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, और मुझे बहुत पसंद है ये परफ्यूम पर्सनली। थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद नहीं आएगी ये। अगर आप थेरी मगलर अमेन का कोई क्लोन ढूंढ रहे हैं बढ़िया, तो आप इस परफ्यूम के साथ जा सकते हैं एक बार, जरूर फ्रेग्रेंटिका पर जाकर उसके नोट्स चेक कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब जो परफ्यूम्स में नए हैं उन लोगों को फ्रेग्रेंस वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो थोड़ी इस गेम में आगे बढ़ चुके हैं उनको ये परफ्यूम जरूर पसंद आएगा, 100% पसंद आएगा, और लास्टिंग लाजवाब है इस परफ्यूम की क्वालिटी। तो ऑटोबायोग्राफी सीरीज की मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि बहुत अच्छी है। तो ये लास्ट ऑर्डर था ऑटोबायोग्राफी सुपरनोवा का। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि ऑर्डर्स के साथ एक वीडियो भी बनाना, बट स्टिल कोशिश करूंगा कि मैं क्या डिस्पैच कर रहा हूँ और कस्टमर्स मुझसे क्या बाय कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक भी जाए, ताकि आपको भी पता चले कि इन फ्यूचर आप क्या बाय कर सकते हैं। सो आपके ऑर्डर्स का वेट रहेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे एक नई वीडियो में जरूर मिलूंगा जल्दी ही। टिल देन टेक केयर।